बज उठे ढोल, नाच उठा अद्वे का परिवार। अरे वाह क्या बात है, आज तो अद्वे की नानी मुरली आदि पूजा सभी खुशी से झूम रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि घर पर ढोल बजने लगे। आज है जश्न चांदनी की पहली रसोई का, जिसे अद्वे की नानी बड़े ही धूमधाम से मना रही हैं। पहले हाँ मुंह दिखाई की रस्म, अब रसोई की रस्म, तो काफी मतलब ग्रैंड हो रहा है उसके लिए। काफी मतलब सब इतने पॉजिटिव है, तो एज एन हैप्पी फैमिली में वो आई है, तो शी इज वेरी हैप्पी। भाई चांदनी तो खुश है, लेकिन अद्वे के आते ही चांदनी की खुशी चकनाचूर हो गई, क्योंकि अद्वे तो चांदनी को दुख दर्द और तकलीफें ही देते हैं। खैर इनका अटेंशन तो बाद की बात है, अभी फिलहाल घर की नई बहू यानी चांदनी रसोई में पहुंच गई है अपने हाथों से सबके लिए टेस्टी खाना बनाने। बट थोड़ी कंफ्यूज भी है क्योंकि नया घर है, सब लोगों की क्या चॉइसेस हैं उसको नहीं पता है, तो कंफ्यूज है कि क्या बनाऊं क्या नहीं। बट हाँ आज मौका मिला है तो बनाएगी खाना अच्छा। भाई ये काम आपके लिए इतना आसान नहीं होगा चांदनी, क्योंकि आपकी मौसी सास आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, और इसीलिए पहुँच गयी है वो रसोई में देने चांदनी को हिदायतें। हाँ, मुझे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं था, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई आपके गुस्से की तो आप जाने, लेकिन हमें ये पता है कि अद्वे के लिए चांदनी का गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दरअसल इससे पहले तबीयत बिगड़ने पर जब चांदनी अद्वे को अस्पताल लेकर जाती है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि अद्वे ने अपनी एक किडनी किसी को डोनेट करी है, और ये कोई और नहीं बल्कि पूजा का नन्हा बेटा आदि है। और ये बात चांदनी के दिल को छू जाती है, और उसे लगता है कि अद्वे एक अच्छा इंसान है। दूसरी चीज और आ गई कि अब ये भी पता करना पड़ेगा क्यों उसने डोनेट किया, मतलब क्या हुआ है, किस लिए किया, तो वो सारी चीजें चांदनी मतलब अब सब पता करेगी, उसको पता ही नहीं है, और इतनी सारी मतलब उसके लिए मिस्ट्री है बेसिकली अद्वे। वैसे चांदनी की तरह अद्वे के दिल में भी चांदनी के लिए कुछ कुछ होने लगा है, क्योंकि उन्हें ये राज पता चल गया है कि उनकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी चांदनी ही है। अद्वे को ऐसा तो लगता है यार कि मतलब कि वो हमेशा उसके साथ इतना बुरा करता रहता है, बट स्टिल वो हमेशा अच्छा करती है उसके लिए सबके लिए। अच्छाई के चलते ही तो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा, और फिर हम पूछेंगे कि इस प्यार को क्या नाम दें। वैसे ऑफ स्क्रीन आज इन सब का प्यार देखा फुटबॉल के साथ। आकिब खान के साथ नूपुर मौजी, मुंबई आज तक।